केम्प्टी वाटरफॉल से बाहर आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मसूरी के एक ऐसे हिल स्टेशन पे जहाँ पे आपको वहाँ का सारा व्यू दिखेगा और मसूरी का काफ़ी शानदार दर्शन आप वहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, 15 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम लोग आ चुके हैं हिल स्टेशन पे। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यूज़ आप लोगों को पीछे साइड दिख रहा होगा और हमारे पीछे साइड पहाड़ ही पहाड़ है और जंगल ही जंगल है। तो बाइक से आने के बाद मेरे बाल सारे उड़ चुके हैं और सारे बाल मेरे ख़राब हो चुके हैं। केम्प्टी वाटरफॉल में हम लोगों ने नहाया था और वहाँ से हम लोगों ने कैंगी वगैरह करके आ गए थे और यहाँ आते आते 10 किलोमीटर बाइक से हमारे बाल उड़ चुके हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पीछे साइड आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब जा रहे हैं, कुछ हम खा भी लें, थोड़ा भूख हम लोग को लग गई है। तो फाइनली अब जा रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे एक पहाड़ी पर जहाँ का और भी अच्छा नज़ारा होने वाला है और वहाँ पर आप लोगों को सनसेट दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। केम्प्टी वाटरफॉल से ऊपर आने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे रुके हैं जहाँ से मसूरी का आधा व्यू आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से यार आप लोगों को पहाड़ों की रानी मसूरी में आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू दिखने वाला है। तो अब हम लोग आ चुके हैं मसूरी के जॉर्ज वेस्ट पॉइंट पर। तो पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, तो सारे लोग आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है और अब हम ऊपर की ओर जाएंगे और तो देख सकते हैं भाई लोग कितना अच्छा कितने एंजॉय किए हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं और तो चलिए हम आगे की ओर आप लोगों को जाकर दिखाते हैं यहाँ का जॉर्ज वेस्ट पॉइंट। तो वीडियोस पे आप लोग बने रहें। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है और ऊपर जाने से पहले ही बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई है और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। शाम के 6 बज रहे हैं तो ऊपर शायद ही हम लोग पहुँच पाएँ। थोड़ा ठंड भी हो गई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बारिश के कारण हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम जाते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे। फाइनली मेरा मन नहीं माना और आप लोगों के लिए मैं ऊपर एक साइड जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो गई और बारिश भी हो रही है, आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना और आगे चल के मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ। आप इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है मसूरी पर, मैंने स्वेटर भी पहन लिया है और यहाँ पर चारों साइड का व्यू काफ़ी शानदार यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाने के बाद हम पहुँच जाएंगे पीक पर। तो वीडियोस पे आप लोग ऐसे ही बने रहें और हमें सपोर्ट करें। डेढ़ किलोमीटर ऊपर आने के बाद हम फाइनली पहुँच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट गेस्ट हाउस पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। यहाँ से अब इतने कठिन पत्थरों के रास्तों पे चलने के बाद हम फाइनली पहुँचने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर। वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे हम। तो गाइस, यहाँ से फाइनली आपको सनसेट का अद्भुत नज़ारा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आ गया हूँ शाम के 7 बजे और यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है। भाई साहब क्या नज़ारा है यार यहाँ का और कितना मस्त नज़ारा है। तो पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं सबसे ऊपर अभी आ चुका हूँ और पीछे मसूरी का व्यूज़ दिख रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही होगी। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी बाइक रोक के अभी यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोस ला रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ से कैंपिंग करना चाहते हो तो आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे आपको कैंपिंग समथिंग 1000-1200 में कैंपिंग कराया जाता है और पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है। तो यहाँ से आपको पहाड़ों से बाहर आपको पैराशूट के थ्रू आपको ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ से पहले आपको नीचे कूदना पड़ता है, फिर आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे पैराशूट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको कैंपिंग भी काफ़ी कम रेट पे करने को मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आएगा आपको। तो आगे की वीडियो में मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे कैंपिंग कराई जाती है और मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ से यहाँ आपको बाहर कुदाया जाता है और आप पैराशूट के थ्रू ऊपर जाएंगे। यहाँ आगे जाने के बाद आपको बैठने के लिए एक छावनी मिल जाएगी। यहाँ पे आप खड़े होकर मसूरी के व्यू का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा मसूरी दिखाई देने वाला है और आपको देहरादून तक आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो गाइस, यहाँ से आप बैठकर चारों ओर का आनंद ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर बारिश भी होती है, हवा भी चलती है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर से शेड लगाई हुई मिल जाएगी और साइड में आपको कांच भी लगे रहेंगे, तो आपको हवा और बारिश का यहाँ पे पता नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, इतना ही था हमारा और आपका सफ़र। तो आगे आगे जब दोबारा मैं आऊँगा तो मैं आगे की ओर आपको ले चलूँगा। तो बस हो गया, अब मैं भी थक गया, मेरी भी हालत ख़राब हो गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो चलिए, यहीं से मिलते हैं नई वीडियो।